अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तरन्नुम किचन। अगर गोभी की सब्ज़ी खाकर आप बोर हो गए हैं तो बनाइए नए तरीके की गोभी की सब्ज़ी, यानी कि मैं गोभी का कोफ्ता बनाने की बात कर रही हूँ। चिकन मटन का कोफ्ता तो बहुत बार ट्राई किया होगा आप सबने, लेकिन एक बार ट्राई करिए इस गोभी का कोफ्ता को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी एक बार ट्राई करेंगे तो। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग फटाफट बना सकते हैं। और इसका मसाले में भी कोई ऐसा मसाला मैंने यूज़ नहीं किया जो आप सबको मिले नहीं, बहुत ही कम मसाले में मैंने बनाया है ये गोभी का कोफ्ता। तो देर किस बात की, एक बार फटाफट ज़रूर ट्राई कर लीजिए आप लोग इस ग्रेवी वाली गोभी का कोफ्ता, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और जितना ये टेस्टी है उतना ही इसका जो कोफ्ता है वो सॉफ्ट बनता है, जैसे कि देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट है ये, अंदर का टेक्सचर भी देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये गोभी का कोफ्ता। और पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने गोभी को लिया है, या जैसे कि देख रहे हैं मैंने कट कर लिया है, और इसे साफ़ करके अच्छे से इसको मैंने सारा पानी जो है छलनी में डालकर इसका सारा पानी इसका सुखा लिया है। जैसे कि देख रहे हैं अब एक लेंगे ग्रेटर, और ग्रेटर में हम इसको गोभी को ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप छोटे वाले ग्रेटर में ग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप ग्रेट कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ग्रेट करते समय हमें इसका सिर्फ ऊपर का पार्ट ही, यानी कि फूल वाला पार्ट ही हमें गोभी का ग्रेट करना है। जैसे कि देख रहे हैं सभी गोभी मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब जो इसका जो डंठल है वो हम इसको साइड कर देंगे, जब कुछ सब्जी बनाना हो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर, गोभी के अंदर डालेंगे एक चम्मच नमक, नमक डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको हम रख देंगे करीब 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद चलिए हम मसाला इसका रेडी करेंगे। तो मसाले में मैंने लिया है 2 टमाटर, 1 प्याज और अदरक लहसुन लिया है, और 2-3 हरा मिर्च लिया है मैंने। इन सभी को हम जार में डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और मिर्ची आप मैंने यहाँ पे 2-3 डाला है, आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा में कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची आप, क्योंकि ग्रेवी में थोड़ी सी तीखापन आए तो अच्छा लगता है। तो अब इसको हम ढक्कन लगाकर इसका बारीक सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जैसे कि देख रहे पेस्ट तैयार है हमारा, अब इसको साइड रखेंगे, और गोभी भी हम जो हमने ग्रेट किया तो चेक कर लेते हैं। अब इसे छान लेना है, तो आप चाहे तो हाथों से दबाकर भी सारा पानी निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा का कपड़ा लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गोभी, और डालकर हम इसको अच्छे से इसमें डालने के बाद अच्छे से हम इसका सारा पानी जो है गोभी का वो निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से इसमें अच्छे से पानी निकल जाता है, और वेस्ट भी नहीं होता है गोभी। और जैसे कि देख रहे हैं इतना सारा पानी इसका निकल रहा है, तो बस सारा पानी अच्छे से निकल जाए तब इसको हम साइड कर देंगे पानी को। जैसे कि देख रहे हैं सभी पानी को मैंने निकाल लिया है, और बस इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं गोभी हमारा अच्छे से पानी निकल गया गोभी में से। अब बस हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक मीडियम प्याज चॉप करके रखा है वो डालेंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें हम हरा मिर्च डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने हरा मिर्च यूज़ किया है, देखा आप कम जैसा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन, तो बेसन मैंने लिया है 2/3 कप बेसन लिया है, और इसमें हम डालेंगे बेसन, और मैंने करीब 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब मैंने बचा लिया है बेसन को, बाद में यूज़ करेंगे हम। तो ये डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे इसमें अजवाइन 1 टीस्पून, तो इसे मैंने क्रश करके रखा है वो डाल दिया। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून डालेंगे गर्म मसाला पाउडर, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता डाल देंगे, और फिर डालकर अच्छे से हम मिला लेंगे इसे। और इसमें हमें पानी नहीं डालना है ज़रा सा भी, इसे डालकर अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर हम रिफाइंड ऑयल, नहीं डालना है खाने तेल हम, यानी कि सरसों तेल डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर बेसन जो हमने बचाया था वो, तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला लग रहा था इस वजह से मैंने ये डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लिया है सभी यहाँ पे मिक्सचर को और बेसन के। अब इसको हम अपने हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं आप कोफ्ता, तो इस तरह से आप कोफ्ता बना लीजिए। और जैसे कि देख रहे हैं रेडी है, इस तरह से सभी कोफ्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से सभी कोफ्ते को हम बना लेंगे, और इसको साइड करेंगे, और इसे हमें रखना नहीं है काफ़ी देर तक, हम इसे उसी वक्त हमें फ्राई कर लेना है, नहीं तो गोभी में से ये होता है कि पानी निकलने लगता है और फिर फटने लगता है। तो यहाँ तेल मैंने पहले से ही हल्का सा गर्म कर रखा है, इसमें हम एक एक करके सभी कोफ्ते को हम डाल देंगे।
तो इसे डालकर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे कि देख रहे हैं सभी कोफ्ते को हमने डाल दिया है इसके अंदर और फ्राई कर लेते हैं। 4-5 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे और जैसे कि देख रहे हैं कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम दूसरी साइड भी अच्छे से लाल होने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। 2-3 मिनट के बाद जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से फ्राई हो गया हमारा कोफ्ता जो है, कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है इसमें, अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसको अच्छे से छान कर अच्छे से निकाल लेंगे और बस आगे हम इसको रेडी करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे हमारा कोफ्ता जो है कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और करारी कोफ्ता बनकर रेडी है। आप चाहें तो चख भी सकते हैं इस टाइम पे। अब चलिए इसको साइड करेंगे और ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम तेल, और खड़े मसाले मैंने लिया है 2 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2 इलायची, और 1/2 टीस्पून के करीब डाला है मैंने जीरा, साबुत जीरा। और इसके बाद हम डालेंगे 2 तेजपत्ता डाल देंगे इसके अंदर और 5 सेकंड के लिए इसको हम भून लेंगे करीब। और हल्का सा भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो डाल देंगे इसके अंदर। इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हमने जो जार में रखा है थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम पेस्ट में डाल देंगे मिलाकर, और हम इस पेस्ट को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब 1-2 मिनट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे मसाला। लेकिन 1-2 मिनट भून गया अच्छे से, अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। सबसे पहले 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे इसके अंदर हम। और मिर्ची डालने के वक्त आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने पेस्ट में भी हमने हरा मिर्च पेस्ट पीसा है इसके अंदर, तो उसके लिए आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसे डालकर अच्छे से भुनेंगे हम 4-5 मिनट के लिए अच्छे से। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से भुन गया है मसाला एकदम, तेल भी किनारे में जैसे कि देख रहे हैं दिख रहा है। तो बस इसके बाद हम ग्रेवी में हम पानी डालेंगे, ग्रेवी पतला कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, गाढ़ा पतला। तो इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पहले तो हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी डालेंगे भरकर अच्छे से, और इसके बाद हम देखेंगे कितना पानी हमें लगेगा। जैसे कि देख रहे हैं थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है ग्रेवी, तो इसमें थोड़ी सी पानी और डालेंगे क्योंकि कोफ्ता डालने के बाद ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। थोड़ी सी पहले से हम पतला रखेंगे। अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता इसके अंदर डालेंगे, और ढककर इसको रख देंगे हम करीब 4-5 मिनट के लिए अच्छे से, ग्रेवी अच्छे से पक जाए। तो इसमें एक उबाल आने के बाद 2-3 मिनट अच्छे से इसको हम पकाएंगे। तो 4-5 मिनट हो गया है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। चेक कर लेते हैं कितना हमारा ग्रेवी गाढ़ा हुआ है। तो जैसे कि देख रहे हैं ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी पतली है। अब इसे हम 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो चलाते हुए फ्लेम का लो फ्लेम में नहीं, हाई फ्लेम पे हमें इसको गाढ़ा कर लेना है। तो जैसे कि देख रहे हैं थोड़ी सी गाढ़ा हो गई है ग्रेवी, और इतने गाढ़ा ग्रेवी में हम डाल देंगे कोफ्ता। तो कोफ्ता डालेंगे, और इसे कोफ्ता डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ी सी और धनिया पत्ता डाल देंगे इसके ऊपर। इसे बहुत ही अच्छा खुशबू आ जाता है कोई भी सब्ज़ी में। तो इसे डालकर अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे ऊपर से वो 1/2 टीस्पून के करीब डालेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और बस मिलाकर इसे 1 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। बस हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, ग्रेवी पहले से ही पक चुकी है, तो बस इसे 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो बस 1 मिनट हो गया है हमारा, यहाँ पे गर्मा गर्म बनकर रेडी है गोभी का कोफ्ता। तो आप लोग इसे बनाइए और इन्जॉय करिए। तो गैस बंद करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म एक बोल में हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को एक बार, और ट्राई करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसे गर्मा गर्म इसे सर्व करिए और इसे इन्जॉय करिए। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रेवी, और ग्रेवी डाल दीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम धनिया पत्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। और बस हमारा यहाँ पे लाजवाब सा कोफ्ता यानी कि गोभी का कोफ्ता रेडी है। और चलिए चेक भी करते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। कमेंट भी कभी कभी आ जाता है कोफ्ता हमने काट करके नहीं दिखाया, तो चलिए दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है। जैसे कि देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है हमारा यहाँ पर गोभी का कोफ्ता। तो इसे ट्राई करिए, चेक भी करते हैं थोड़ा खाकर, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग ट्राई करिए, और पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।